देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी में युवक को चाकुओं से गोद कर जान से मारने की थी गई कोशिश, जिला अस्पताल किया गया रेफर। ममता के गढ़ में गरजे पीएम मोदी, पश्चिम बंगाल में स्पीड ब्रेकर हैं आपकी दीदी, उन्होंने गरीबों को लूटा। सीतामढ़ी से जेडीयू उम्मीदवार ने लौटाया टिकट, पार्टी में हो रहा था विरोध। अरुणाचल प्रदेश में मोदी ने कहा कांग्रेस की तरह ही उसका घोषणा पत्र भ्रष्ट और बेईमान। और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 खत्म करेंगे शाह तो भारत से नाता तोड़ लेगा कश्मीर। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी के थाना फरदान के अंतर्गत ग्राम सभा जगन्नाथपुर में एक युवक को चाकुओं से गोदकर जान से मारने की कोशिश की गई, हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लखीमपुर खीरी के थाना फरदान के अंतर्गत ग्राम सभा जगन्नाथपुर में युवक को चाकुओं से गोदकर जान से मारने की कोशिश की गई और उस हालत को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि थाना फरदान की ग्राम सभा जगन्नाथपुर के राजेंद्र सिंह पुत्र शुभकरण सिंह का चचेरे भाई राजेश्वर सिंह पुत्र मंगू सिंह शाम लगभग 9 बजे के आसपास अपने खेत पर गन्ना देखने जा रहा था कि तभी जमीनी रंजिश के चलते अजयपाल पुत्र बाबू सिंह, जगपाल सिंह उर्फ तोता, उदयवीर सिंह उर्फ संजय पुत्र अजयपाल सिंह, रमेश सिंह पुत्र लालजी सिंह और मिथिलेश सिंह पुत्र रामबरन सिंह ने राजेश्वर सिंह पुत्र मंगू सिंह को गन्ने के खेत में घेरकर धारदार हथियारों से हमला करके जान से मारने की कोशिश की, लेकिन शोरगुल सुनकर कई ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। तब तक हमलावरों ने युवक के सीने पर चाकुओं से कई बार हमला कर ग्रामीणों को आते देख वहाँ से फरार हो गए। पीड़ित के घर वालों ने डायल 100 नंबर को फ़ोन करके फरदान स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन युवक ज़्यादा गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं जानकारी देते हुए बताया गया कि कुछ समय पहले उसके पास पैसा न होने के चलते उसने अपने खेत में गिरवी बतौर विपक्षियों के हाथ अपनी जमीन एग्रीमेंट कराकर उनसे उधार पैसा लिया था, लेकिन विपक्षियों द्वारा गुमराह करके हमसे पैसा बैनामा करा लिया गया। जब इस बात की जानकारी हुई तो दाखिल खारिज पर आपत्ति लगा दी गई और लखीमपुर न्यायालय में विपक्षियों के खिलाफ गुमराह करके हमसे फर्जी बैनामा कराने का न्यायालय में मुकदमा लिखवाया गया। वही हम लोगों का वाद विवाद न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय द्वारा हमें सही से मानते हुए यथास्थिति निगरानी बतौर स्थगन आदेश दे दिया गया कि विपक्षी गणों द्वारा उसी रंजिश को मानते हुए हमारे ऊपर जान से मारने की कोशिश की गई। इस पूरी घटना की जानकारी प्रार्थना पत्र के जरिए थाना फरदान को दे दी गई। ये मामला क्या है जो चक्कू लगा है आपके गांव पे? अजयपाल सिंह, तीन लड़के, उनके दो लड़के और दो और गांव के, एक मिलिट्री में है, उसी ने चाकू मारा है। मिलिट्री वाले का क्या नाम है? तोता जगपाल सिंह, जगपाल सिंह और तोता सिंह। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में हम बेहोश हो गए, गांव के सब चिल्लाने लगे, तब हमने गांव के सब भाग में लगे, तब भाग गए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। कहाँ के निवासी हैं? जगन्नाथपुर पसेरा बुजुर्ग थाना फरदान। ये जो आपके भाई के साथ घटना हुई है, ये कैसे और कहाँ हुई? ये खेत पे हुई, गन्ना छिला पड़ा था, वो देखने गया था, वहीं पे हुई है। क्या हुई, किन किन लोगों ने की घटना? अजयपाल सिंह और तोता सिंह और संजय सिंह और यही रमेश सिंह और मिथिलेश सिंह। क्या हुआ था? छिला गन्ना पड़ा था, ये देखने गया था यहाँ से कि मेरा गन्ना छिला पड़ा है तो ये वहाँ गया, फिर काफ़ी टाइम हुआ तो शोरगुल आया, तो हम लोगों ने यहाँ से उठ के यहाँ से गए, जब तो तब तक ज़्यादा शोरगुल हो चुका था, तो हम लोग यहाँ से पहुँचे तो मोटरसाइकिल इसकी रोड पर पड़ी थी, और ये वहाँ से 100 मीटर दूर, करीब 100 मीटर के अंदर ही बोरिंग है, वहाँ पे हमें बड़ा मिला। हमारी थाना प्रभारी द्वारा अपराधियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बाद भी अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित युवक बहुत ही सहमा और डरा हुआ है कि अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए, हो सकता है कि दोबारा से हमला कर दिया जाए।
लखीमपुर खीरी से संवाददाता विकास वर्मा की रिपोर्ट एचबीएन न्यूज। लोकसभा चुनाव 2019 में एक बार फिर से बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में हैं और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने सूबे की मुखिया ममता बनर्जी पर हमला बोला। लोकसभा चुनाव 2019 में एक बार फिर से बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए सूबे की मुखिया ममता बनर्जी पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है जिनको आप दीदी के नाम से जानते हैं। दीदी को गरीबों की चिंता नहीं है। आखिर दीदी को गरीबों की राजनीति करनी है। वो गरीबी खत्म करने के लिए कैसे काम कर सकती हैं? अगर गरीबी ही खत्म हो जाएगी तो दीदी की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। पहले टिकटों को लेकर महागठबंधन में राह दिख रही थी, लेकिन अब एनडीए में भी इस पर विवाद हो रहा है। सीतामढ़ी से जेडीयू के उम्मीदवार बताए गए वरुण कुमार पार्टी की नाराजगी के कारण अपना टिकट लौटाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। पहले टिकटों को लेकर महागठबंधन में राह दिख रही थी, अब एनडीए में भी इस पर विवाद हो रहा है। सीतामढ़ी से जेडीयू के उम्मीदवार बनाए गए वरुण कुमार पार्टी की नाराजगी के चलते अपना टिकट लौटाने जा रहे हैं और आज ही पटना में अपना टिकट लौटाएंगे। जेडीयू इकाई में वरुण कुमार को टिकट दिए जाने का विरोध हो रहा है, इसलिए वो अपना टिकट पार्टी को लौटा रहे हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी उनकी जगह पर पूर्व मंत्री पिंटू सिंह को मैदान में उतार सकती है। बता दें कि सीतामढ़ी सीट पर महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के अर्जुन रॉय उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक परिवार ने 55 साल तक दावा किया, लेकिन ये फिर भी दावा नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान के सारे काम पूरे कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक परिवार ने 55 साल तक दावा किया, लेकिन ये फिर भी दावा नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान के सारे काम पूरे कर दिए गए। मुझे तो 5 साल होने वाले हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर समाधान कर सकता हूँ कि मैं हर चुनौतियों को चुनौती देने वाला इंसान हूँ। मोदी आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और कोलकाता में जनसभाएँ करेंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अगर अमित शाह अनुच्छेद 370 या 35 ए की डेडलाइन तय कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए भी यही डेडलाइन है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी बड़ा बयान दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर का जिन शर्तों के साथ भारत में विलय हुआ था, अगर उन्हें ही वापस ले लिया जाता है तो हम मुल्क से अपना विलय तोड़ लेंगे। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए एचबीएन न्यूज। आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज, जो सच वही खबर।